नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दिल्ली मोड़ दरभंगा के पास कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है इन दिनों, क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट के पास अतिक्रमण पर आक्रमण हुआ है और दोनों साइड रोड को खाली कराया गया। आपको बता देंगे कि किस तरह से यहां पर जो है वो साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है और यहां पर अचानक से जो है वो अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। तो ये तस्वीर, ये वीडियो हमें हमारे सहयोगी चैनल BR07 न्यूज़ की तरफ से मिला है और उन्होंने यह दिखाया है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर जयनगर हाईवे पर अभी क्या स्थिति है। तो देखिए, कल ही यहां पर शुरुआत हुई थी अतिक्रमण हटाओ अभियान की और अचानक प्रशासन की तरफ से CO के नेतृत्व में यहां पर जो है वो क्रेन लेकर के आया गया और यहाँ पर बुलडोज़र चला दिया गया। तो अगर आप इधर जयनगर की दिशा की तरफ से अगर आप दिल्ली मोड़ की तरफ आएंगे तो ये वीडियो आप देखिए, दोनों साइड में आपको खाली खाली नज़र आएगा। यहाँ पर तो ज़्यादा अतिक्रमण नहीं था इस ब्रिज के पास, ये नहर का ब्रिज है और उसके आगे, लेकिन अगर आप मेन दिल्ली मोड़ पर पहुँचेंगे वहाँ पर चौराहे पे जहाँ पर ओवर ब्रिज है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर साफ सफाई आपको साफ साफ नज़र आएगी। यहाँ से जो है वो दिखना शुरू हो जाता है तोड़फोड़ का कार्यक्रम। ये देखिए, यहाँ पर जितनी भी दुकानें झुग्गियों में बनी हुई थी सबको तोड़ फोड़ दिया गया है, साफ सफाई कर दी गई है और यहाँ आपको नज़र आएगा कि देखिए ये पानी पीछे बाढ़ का पानी है और जो तोड़ा फोड़ा गया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस तरह से लोग यहाँ पर अचानक से हड़कंप मचा और लोग जो है अपना बचा हुआ सामान लेकर के इधर उधर भागने लगे और लोग, स्थानीय जो दुकानदार हैं उसमें गहरा आक्रोश भी है कि उन्हें मौका नहीं दिया गया और उन्हें सिर्फ 10 मिनट या आधे घंटे का समय दिया गया और उसके बाद तोड़ फोड़ शुरू कर दिया गया। देखिए किस तरह से यहाँ पर सामान बिखरा हुआ या फिर जो टीन वगैरह शेड है वो सब बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अतिक्रमण जो है वो बड़ी समस्या बनकर उभर रहा था और लगातार प्रशासन से ये मांग उठ रही थी। यहाँ पर देखिए क्रेन भी नज़र आ रहा है। तो ये पिछले कल बहुत ज़्यादा यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई गई और इस तरह से अतिक्रमण को साफ कराया गया। चूँकि यहाँ पर बहुत बिजी रोड हो गया एयरपोर्ट के कारण, इस वजह से यहाँ पर अब जाम लगने लगा है। और ये देखिए, ये झुग्गी यहाँ पर गिरा दिया गया दुकान। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जयनगर की दिशा से आप दिल्ली मोड़ की तरफ, तो आपको इस तरह की तस्वीर इस समय दिखाई देगी। ये देखिए, यहाँ पर भी तोड़फोड़ किया गया है, यहाँ पर भी ढा दिया गया जो अवैध रूप से जो दुकान बना हुआ था। तो दोनों दिशाओं में, एक सकरी की दिशाओं में भी और मब्बी की दिशा में भी, दोनों दिशा में तोड़फोड़ मचाई गई है। तो तीनों दिशा में अगर कहें तो गलत नहीं होगा। ये देखिए, यहाँ पर बोर्ड भी नज़र आ रहा है दिल्ली मोड़ का। तो ये दिल्ली मोड़ पर तीनों दिशाओं में जो भारी मात्रा में यहाँ पर अतिक्रमण हो गया था, अवैध दुकानें यहाँ पर बना दी गई थी, इस वजह से सड़क जो है वो छोटा हो गया था। अब ये सवाल उठ रहा है कि ये अतिक्रमण के हटाने के बाद क्या इस रोड को चौड़ा किया जाएगा, क्योंकि अभी जो रोड है वो सिंगल रोड है और अगर आप इसको जो चौड़ा करेंगे, अगर 4 लेन अगर बनाएंगे या 2 लेन बनाएंगे तभी जा करके यहाँ पर जान की समस्या से मुक्ति मिलेगी। अब देखना होगा क्या प्रशासन यहाँ पर वो करेगा, ये करने की बात होगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये है कि यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि काफ़ी साफ सफाई हो गई है अतिक्रमण हटाने के बाद की स्थिति। देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको हर तरफ तोड़फोड़ दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक वीराना सा, एक मरघट सा सन्नाटा नज़र आ रहा है और यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब चूंकि जाम इसकी स्थिति बनती है इसलिए प्रशासन को लगातार यहाँ पर शिकायत मिल रही थी कि इसको हटाया जाए और हटाने के बाद ही रोड चौड़ा होगा, जिससे कि चूंकि बस स्टैंड है पीछे, बस स्टैंड के कारण जो है बस जो निकलती है यहाँ से तो उससे भी जाम लगती है स्थिति। तो यहाँ पर अब जो है स्थिति ये देखिए, इस तरह होटल की तरफ भी जो है साफ़ किया गया है और आपको सकरी की दिशा में भी जो है साफ़ किया गया है जो ओवर ब्रिज है उसके किनारे। तो अब यहाँ पर जो है वो अतिक्रमण की साफ़ सफाई जो है वो CO के नेतृत्व में कंप्लीट कर दी गई। हालांकि लोगों में बहुत गुस्सा है कि उन्हें मौका नहीं दिया गया और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई उनके लिए। हालांकि यह भी दोष स्थानीय दुकानदारों का ही है कि उन्हें पता था कि वो अवैध रूप से उन्होंने दुकानें बना रखी हैं तो ऐसी दशा होने वाली थी, तो इसलिए इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया था पहले से। लेकिन इस बात की आशंका थी कि चूंकि दरभंगा एयरपोर्ट काफ़ी बिजी एयरपोर्ट हो गया है और काफ़ी यहाँ से यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, रोज़ाना 1000-2000 के यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो है दिन भर जो है वह गतिविधियाँ रोड पर ज़्यादा रहती हैं, इस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। अब सुनिए स्थानीय दुकानदार, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लीजिए। 2 दिन पहले कॉल के ख्याल जब जगह खाली कर दीजिए जी, हम लोग बोले कि ठीक है सर खाली कर देंगे जी,
हम लोग खाली कर दिए जी। पहले गर्मी पानी नहीं है इसलिए दिक्कत हो गया जी जी। समय ठीक ठाक रहा था ठीक था जी। इसके आगे हम लोग हटा दे उसे जैसे भी ला ला दुकान के तोड़ दे ना। केकरा दोष माने छी नीतीश सरकार के? दोष हम केकरा कहबे केकरो नहीं तो की अहाँ सब लग कुछ सोचले कि नहीं दुकान हटा दे तो कुछ तो सोचल हो नहीं? अभी कुछ कुछ नहीं कहल गया कि वापस दुकान लगा दे या किधरों लगा लूँ। बोला खाली कर दे सीधे खाली करो जाओ यहाँ से कुछ कहे। तो स्थानीय लोगों में गुस्सा है, दुकानदारों में गुस्सा है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है दिल्ली मोड़ की ये बदलनी थी क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट जो है बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और BR07 न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लगातार यहाँ की वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।